नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। विश्व विख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। लगातार हो रही बाघों की मौत ने वन्य जीव प्रेमियों की नींद उड़ा रखी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर रेंज अंतर्गत पटेहरा बीट के पीएफ 641 के चरपरिया हार में 4 वर्षीय वयस्क मादा बाघिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मानपुर रेंजर मुकेश अहिरवार ने बताया कि बाघिन का शव मिला है। प्रथम दृष्टया बाघिन की मौत आपसी लड़ाई के कारण हुई है। घटना की जानकारी पार्क प्रबंधन को तब लगी जब वहां के ग्रामीण रात में 2 बाघों के दहाड़ने की आवाज सुनी और उससे भयभीत होकर इसकी सूचना पार्क प्रबंधन को दी। पार्क प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की सर्चिंग कर रही थी, तभी उन्हें उक्त मादा बाघ का शव मिला। सर्चिंग दल ने इसकी सूचना तुरंत बड़े अधिकारियों को दी, जिसके बाद पार्क के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना के कारणों की जांच शुरू की। पार्क प्रबंधन के मुताबिक घटनास्थल के नजदीक बाघों के आपसी संघर्ष के निशान मिले हैं, जिस कारण से यह प्रतीत होता है कि इस मादा बाघ की मौत आपसी संघर्ष में हुई है। बहरहाल मृत मादा बाघ का 3 वन्य प्राणी चिकित्सक की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर NTCA की गाइडलाइन के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया गया है और सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। गौरतलब है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जब भी बाघ की मौत होती है तो पार्क प्रबंधन के पास एक ही जवाब रहता है कि आपसी लड़ाई से मौत हुई है, जबकि जानकार बताते हैं कि मादा बाघ के ऊपर नर बाघ हमला नहीं करता। हालांकि पार्क प्रबंधन 24 घंटे गश्ती के दावे करता है, ऐसी घटना से गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाघिन के मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। आज सुबह मानपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत पटेहरा बीट के एक कक्ष क्रमांक 641 में मादा बाघ की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर डॉग स्क्वाड और बाकी के दल पहुंचे और उन्होंने वहां पर तलाशी ली, जिसमें एक कैटल किल भी मादा बाघ के शव के पास ही पाया गया और कुछ संघर्ष के निशान भी मिले। इसी के बीच में विशेषज्ञों द्वारा टाइगर का सब परीक्षण किया गया NTCA की प्रतिनिधि की उपस्थिति में और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, और प्राथमिक तौर पर यह आपसी संघर्ष पर मृत्यु होना पाएगी